आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कर रहे हैं हम, और वो है टाइट्रेशंस, रेडॉक्स टाइट्रेशंस। टाइट्रेशन हम तीन जगह पढ़ते हैं इस पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देख सकते हैं आप, वहाँ पर हम इसको बोलते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। दूसरा पढ़ते हैं हम आयनिक इक्विलिब्रियम में, वहाँ हम पढ़ते हैं एसिड बेस के नाम से टाइट्रेशंस। एक और है जहाँ हम बात करते हैं रेडॉक्स, और यहाँ हम पढ़ते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशंस, यानी रेडॉक्स टाइट्रेशंस। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन कि टाइट्रेशन होती कैसे, और उसके बाद हम रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है और उनके क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है कि टाइट्रेशन है क्या, उसके बारे में तो आप जानते हैं। टाइट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशंस ऑफ ए अननोन सॉल्यूशन बाय गिवन सॉल्यूशंस। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है टाइट्रेशंस की। टाइट्रेशंस इज द प्रोसेस, लिख लीजिए, इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशंस ऑफ ए अननोन सॉल्यूशंस या ऑफ ए गिवन सॉल्यूशंस बाय ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशंस मालूम होती है और हमें पता लगाना होता है टाइट्रेशंस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आपने टाइट्रेशंस के लिए क्या प्रिंसिपल लगता है, किस तरह से ये वर्क करता है, तो वो प्रिंसिपल हम रेडॉक्स की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ टाइट्रेशंस, क्योंकि हम रेडॉक्स पढ़ रहे हैं। तो रेडॉक्स के अंदर हम बात करेंगे टोटल इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन है, जैसे ए प्लस बी, इस तरह से कुछ हो रहा है, बी प्लस टू ले रहे हैं, ए प्लस टू में चेंज हो रहा है और बी का रिडक्शन हो रहा है, तो यहां आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हमारे लिए एक तरह से यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और एक तरफ हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन। तो हम यहां जो प्रिंसिपल लगाएंगे वो ये रहेगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो अपने आप में क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारे पास एक तरह से क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये हमारे पास क्या लाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब आपको ये पता चल गया कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगला काम आपका रहेगा कि दोनों के इक्विवेलेंट सेम करना, यानी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको पहला काम होगा। और आप इसको कैसे करेंगे, आपको मान लीजिए इसकी नॉर्मलिटी N1 है, V1 है, और इसकी नॉर्मलिटी N2 V2 है, इन दोनों को बराबर करना है। आपको कोई एन फैक्टर वगैरह नहीं देखना, एन फैक्टर का मतलब वैलेंसी फैक्टर आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मलिटी में दिया है, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्विवेलेंट होता है। लेकिन विचार किया जाए, अगर हमें नॉर्मलिटी नहीं दी गई है तो हम क्या करें, अगर हमें नॉर्मलिटी नहीं दी गई है तो हमें मोलरिटी से जाना पड़ेगा, और हम बचपन से पढ़ते आए नानी मम्मी से बड़ी है, यानी नानी इक्वल टू मम्मी मल्टीप्लाई बाय वैलेंस फैक्टर। तो ये M1, और यहाँ वैलेंस फैक्टर को मैं एन फैक्टर बोल रहा हूं,
एन फैक्टर वन वी वन एम टू एन एफ टू और वी टू, सभी केस में हमें ऐसे ही लगाना है। हाँ, अगर एक की नॉर्मलिटी और एक के लिए मोलरिटी पूछा जाए तो एन वन वी वन इक्वल टू एम टू एन एफ टू वी टू कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर तो आपको पता है क्या होगा, अगर देखा जाए तो एन वन वी वन एन टू वी टू आपको प्रैक्टिकल में भी देखने को मिलेगा जो आप एग्जाम में देखेंगे, और यहां मैं मोलरिटी दे दूंगा और दूसरे की मोलरिटी पूछूंगा, ठीक है। आप और भी कुछ कर सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि आप इसी प्रोसेस से जाएं, एक और प्रोसेस है जिसमें आप यूज कर सकते हैं। एन वन वी वन निकाल के आपने अल्टीमेट निकाला क्या, इक्विवेलेंट। एम वन वी वन क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय वैलेंस फैक्टर। तो एम वन वी वन मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम होता तो मोल ही है, तो आप मोल को और तरह से भी निकाल सकते हो। आप जानते हो मोल कैसे निकालोगे, मोल निकालोगे वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, ये भी मोल हो गया। एम वन वी वन मोल है, मोल आ गया, मोल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अगर मोल आ गया है तो आपको मोल मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, ये भी कर सकते हो आप। और यहां आपको डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट टू मल्टीप्लाई बाय एन एफ टू। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मोल ही है, तो मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर की वैल्यू भी बराबर होगी आपस में। तो ये सारी चीजें आपस में बराबर है, ये सारी चीजें अपने आप में बराबर है। अब आपको क्या दिया जा रहा है उसके संदर्भ में आप एग्जाम में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसकी नॉर्मलिटी दे दी है, इसका वॉल्यूम दे दिया, इसका मोलर मास दे दिया, इसका एन फैक्टर दे दिया है, और आपसे वेट पूछा जा रहा है, तो आप ये फॉर्मेट करेंगे। तो ये सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। आपको ऐसा लग रहा है ये बहुत अलग अलग तरह की टाइट्रेशन है, ये एक ही कंसेप्ट से जो एक दूसरे से रिलेटेड है, डरना मना है, ठीक है, ओके। तो ये टाइट्रेशन का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। एक और प्रिंसिपल है जो सुनील लखोटिया प्रिंसिपल है, SL पॉइंट, इसको आप की पॉइंट भी लिख सकते हैं। मैं अक्सर टाइट्रेशन कराने लगता हूं तो कुछ ऐसा करता हूं, इस जगह ध्यान से सुनना। मैंने 100 ग्राम कोई सॉल्ट लिया, उसको 1 लीटर वाटर में डाल दिया, और 100 ml ले लिया, यानी 1000 ml में डाल के 100 ml ले लिया, तो इसका मतलब मैंने क्या लिया, उस सॉल्ट को 1/10 कर दिया। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आप इसको पहले दूसरे जनरल एग्जाम्पल से देखें। मान लीजिए मेरे पास 10 ग्राम नमक है, कितना है नमक है, NaCl है, और मुझे किसी ने कहा आपके पास कोई वेट मशीन नहीं है। मैंने कहा ठीक है, वेट मशीन नहीं है, आपको इक्वल पार्ट में 5-5 ग्राम में करना है, और आपके पास वेट मशीन नहीं है तो आप कैसे करोगे। मेरे दिमाग में एक आया, क्या मेरे पास एक बीकर है। उन्होंने कहा हाँ आपके पास है, जिसमें मार्किंग हो रही है 100 ml तक। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको 100 ml तक भरा बीकर को, और उसमें वो नमक डाल दिया 10 ग्राम, डिजोल्व हो गया। अब 100 ml में से 50 ml दूसरे बीकर में डाला, उन्होंने कहा ठीक है, और उसको इतना गर्म किया कि वाटर पूरा वेपराइज हो गया, तो बचाएगा क्या, नमक रह जाएगा। क्या वो दोनों जगह बराबर बराबर रहेगा, हाँ रहेगा या नहीं रहेगा, तो दोनों तरफ कितना रहेगा, 5 ग्राम 5 ग्राम। तो ये एक पुरानी पद्धति है या नॉलेज है कि हम बिना वेट के भी सॉल्ट्स को आधा करते थे, उनको डिसॉल्व करके उस वाटर को आधा आधा कर देते थे। बोलो करते थे या नहीं करते थे, आया समझ में। तो जब हम पहले कर सकते थे तो हम आज भी इसका यूज करेंगे, और इस तरह से करेंगे, इस रूल को पढ़ने के लिए ये प्रिंसिपल भी हमारे पास काम आएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि यहां वॉल्यूम कैपिटल वी है और सॉल्ट का मास कैपिटल डब्ल्यू है। आपने उसी में से डिजॉल्व करके स्मॉल वी ले लिया, तो बताइए यहां मास क्या होगा, इस जगह वेट क्या होगा। तो यहां जो वेट होगा
वो पता है क्या इतना होगा, जो कैपिटल डब्ल्यू था उसमें वी का डिवाइड करो, इससे आ गया वेट पर एमएल, और उसको इस वी से मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल वी से। समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट हुआ, मैं कई बार यूज करता हूँ कि मैंने 100 ग्राम लिया, उसको 100 ml में डाला और 10 ml निकाल लिया, तो क्या करूंगा? 100 ग्राम लिया, 100 ml में डिजोल्व किया, 10 ml निकाल लिया, खत्म। तो मेरा ये जो वेट आएगा, इस वेट को उठा के मुझे यहां रखना होता है। इज दैट क्लियर? पक्का? क्योंकि टाइट्रेशन उस वेट से की जा रही है जो इस सॉल्यूशन में है। तो इस कॉन्सेप्ट्स का आप काफी यूज करेंगे, ये दो प्रिंसिपल आपको याद करने कि आप कैसे वेट को रखना होता है। जरूरी नहीं है हर बार ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हो, मैं कह रहा हूं नहीं हो रहा, लेकिन अगर एक बार भी यूज हो गया तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत यूजफुल है। एक बार और समझाना है, एक बार और समझ। देखिए, जब भी मुझे इस तरह की टाइट्रेशंस दी जाती है तो मुझे बड़े प्यार से बोला जाता है कि आप एक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन निकालो। मैंने कंसंट्रेशन मोलरिटी हो या नॉर्मलिटी हो, मैं मुझे निकालना है उसका फला फला वॉल्यूम यूज हुआ है वो निकाल दिया गया है, मैंने ले लिया, मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया, ये वाला निकल गया। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो ये वाला पार्ट मेरा पूरा हो रहा है, इसमें एक चीज निकालनी है। दूसरी तरफ ये कहा है कि मैंने उसकी टाइट्रेशन किसी अननोन सॉल्यूशन के एक्स ग्राम से करी है, और एक्स ग्राम को पहले मैंने 1 लीटर में डिजोल्व किया और 100 ml निकाल लिए, तो कितने में डिजोल्व किया वो डिवाइड किया, और जितने से निकाले वो ऊपर मल्टीप्लाई करके वो वेट मेरे पास यहां आ चुका है। तो एग्जैक्ट वो वेट काम आएगा जो टाइट्रेशन में यूज हुआ है, उसको डायरेक्ट नहीं रख सकते आप। और फिर उसका मोलर मास डिवाइड करूंगा, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर निकाल लूंगा। ये मेरा प्रोसेस का रहता है। तो आपने ऐसे रूल पढ़ लिया कि कैसे हम क्वेश्चंस को घुमा देते हैं, ठीक है? तो हम इसलिए घुमाते हैं कि हम चाहते हैं कि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला रट के काम नहीं चले, आप कॉन्सेप्ट समझें कि ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है? चलिए, आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, ये की पॉइंट आपके पास हो गया कि कैसे आप चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या और भी रूल की हमें जरूरत पड़ेगी? हाँ, हो सकता है, वो प्रैक्टिस के साथ आपको देखना पड़ेगा। ये एन फैक्टर को भी आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, बाकी तो आप पढ़ चुके हैं। देखिए, ये एन फैक्टर क्या है, क्योंकि एन फैक्टर का लेक्चर आप ऑलरेडी देख चुके हैं, एन फैक्टर कैलकुलेशंस वहां से आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया से लिख लीजिएगा। एन फैक्टर आपके पास है इस जगह लॉस ऑब्लिक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ द स्पेसिफिक सब्सटेंस, स्पेसिफिक सब्सटेंस इन गिवन रिएक्शंस। तो आपको जो रिएक्शन दी जा रही है उसमें स्पेसिफिक सब्सटेंस एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। एक तरह से लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता चल सकता है चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जहां इसका +7 है, तो वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग कंपाउंड बनाता है। कभी वो Mn+2 बना देता है, Mn+2 का मतलब MnSO4 या MnO कुछ भी इस तरह का बनाएगा जिसमें +2 ऑक्सीडेशन है। कभी वो Mn+4 भी बना देता है, कभी Mn+6 भी बनाता है, सही है? तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड या एसिडिक मीडियम होगा, वीक एसिड होगा तो भी यही रहेगा, एसिडिक में ऐसा रहेगा, ठीक है? एसिड में ये रहा, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, यहां आपके पास आएगा इस जगह, जब यहां आएगा तो बेसिक वीक बेस या बेसिक मान लीजिए, ठीक है? और न्यूट्रल में भी यही रहेगा, वीक बेसिक और न्यूट्रल,
और स्ट्रॉन्ग बेस में वो ऐसा जाने की कोशिश करेगा। तब आप बताइए कि यहाँ +7 से +2, बाकी के एलिमेंट ना तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना दे रहे हैं, सिर्फ यही है। तो बताइए यहाँ एन फैक्टर कितना होगा, 5। तो 99% रिएक्शन में हमारे लिए KMnO4 का एन फैक्टर 5 है। कुछ एक रिएक्शंस में एन फैक्टर कितना आएगा, 3, और बहुत ही कम रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा 1। फिलहाल वो आपको इक्वेशन दे देगा तो आपका काम बहुत आसान हो गया, नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट आप ये ले लेंगे, ठीक है। तो आप रिएक्शन को देखिए, पता लगाइए कितना उसका पहला ऑक्सीडेशन था, अब कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, वो एन फैक्टर की जरूरत आपको पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ेगी। इस जगह तो कोई नहीं पड़ेगी, आप फालतू टाइम खराब करेंगे, यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करिए, देखिए आपको कितनी जरूरत है उतना ही सॉल्व करें, ठीक है। इसको लिखें, देखिए हमने ये पढ़ा टाइट्रेशंस कैसे कर रहे हैं, लेकिन हमें एक सेटअप तो चाहिए। तो सेटअप कैसा होगा टाइट्रेशन के लिए, यानी हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए? हमें एक स्टैंड चाहिए सबसे पहले, जैसे हर चीज सिस्टमेटिक आ सके। ये आयरन का बना हुआ स्टैंड है, ये इस तरह से आपके पास एक स्टैंड बना हुआ है, ठीक है, पक्का। तो ये आपके पास स्टैंड हो गया, ये आपके पास फ्लास्क हो गया। यहाँ फ्लास्क में आपने जो भी सब्सटेंस है जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता करनी है आपने रख दिया है, ठीक है, विद स्पेसिफिक वॉल्यूम V। तो मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन N1 है और वॉल्यूम V1 है, ठीक है। अब एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस है आपके पास, वो इस तरह से एक ब्यूरेट हमारे पास होती है जिसके अंदर हमने ये फिलअप कर दिया है, और ये हवा में ना लटके इसलिए हमने इसको स्टैंड से ज्वाइंट भी कर दिया, ठीक है। और इसमें पता है क्या होता है, इसमें इस तरह से एक मार्किंग रहती है, यहाँ 0 ml लिखा होता है, 0, और नीचे की तरफ मार्किंग कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी आपको, 10, 20, 30, 40, इस तरह से ये चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या रहता है कि यहाँ पर एक वॉल टाइप नल होता है, नल भी बोल सकते हैं वॉल, हम इसको रोटेट करते हैं, एक एक ड्रॉप करके गिराने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और बंद कर देते हैं, जैसे हमारी टाइट्रेशन पूरी हो गई, ठीक है। हमें पता चला कि यहाँ पर हमारे पास इंडिकेशन आया है, तो ये वॉल्यूम हमारे लिए क्या कहलाएगा, इसका जो टाइट्रेशन खत्म होती है ये V2, N2 हमें मालूम है ही, जो सब्सटेंस हमने रखा है। तो क्या इस पूरे प्रोसेस से हम N1 की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, N1V1 = N2V2, और हमारे पास N1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर N2V2/V1, ये हमारा पास प्रोसेस रहा, आ रही है बात समझ में? ये हमारे पास सेटअप रहा, इसको हम फ्लास्क, इसको ब्यूरेट, इसको स्टैंड, बस, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, हम यहाँ कीप से इसमें डालते हैं क्योंकि हमें कीप चाहिए, कौन टाइप जो होता है जैसे इसमें भरा रहे। टाइट्रेशन करते वक्त थोड़ी बातों का ध्यान रखते हैं कि जो कौन से आपने डाला है, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन उस कौन को वापस हटा लो, और जब भी रीडिंग पढ़ो तो आप इसके लेवल पे आके देखें रीडिंग, अदरवाइज आपको प्रॉपर वे में नहीं दिखाई देगी और आप गलत रीडिंग नोट कर लेंगे। कुछ पॉइंट्स आपके पास और भी आएंगे जो आपको मुझे बताने। सेटअप आपके पास हो गया, हमें कैसे पता चलेगा कि टाइट्रेशन खत्म हो गई है? जब कलर चेंज होता है तो हमें पता चल जाता है कि टाइट्रेशन खत्म हुई है। तो कलर कब चेंज होगा? जब एंड पॉइंट आएगा। क्यों आ रहा है कलर चेंज? कलर चेंज का मतलब हो रहा है कि हम चाहते क्या है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो खत्म हो और कलर आ जाए। उसके लिए हमें एक और चीज रखनी पड़ेगी, और वो होगा हमारे पास होगा इंडिकेटर, इंडिकेटर इंडिकेटर हमारे पास हो रहा है। तो ये इंडिकेटर क्या होता है, उसकी रिएक्टिविटी इस वाले सॉल्यूशन से होती है लेकिन इसके कंपेयर में कम होती है। तो पहले ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा
तब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा और कलर चेंज कर देगा। ठीक है, तो इंडिकेटर रिएक्टिव होता है लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता इसके कंपेयर में कम, और अगर बिल्कुल नहीं होता रिएक्टिव तो फिर इंडिकेटर का कोई रोल ही नहीं रहता। तो इंडिकेटर जनरली हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, या तो ये वीक एसिड या वीक बेस या जो भी होता है, वीक होता है, वीक एसिड वीक बेस होते हैं, और एन टाइम पे ये क्या करते हैं अपना कलर चेंज करके रिएक्शन कंप्लीट होने की हरी झंडी दे देते हैं, भैया जाओ रिएक्शन हो गई, एक सिग्नल क्रिएट करते हैं। तो इंडिकेटर हमारे पास क्या है, दे शो द सिग्नल ऑन कंप्लीट द टाइट्रेशंस बाय चेंजिंग ऑफ कलर। तो ये कलर चेंज करके आपको सिग्नल दे देते, और कलर चेंज करने के पीछे एक लॉजिक ये होता है कि इनकी अलग अलग जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमें एक या दो ड्रॉप और डालनी होती है। क्यों डालनी होती है वो एक या दो ड्रॉप, क्योंकि एक ड्रॉप बची हुई जो नेक्स्ट होती है वो इंडिकेटर के साथ रिएक्शन होती है। यानी जब आसान भाषा में पूछा, जब कलर चेंज होता है तो इसका मतलब ये जो टाइट्रेशन है ये पहले ही हो चुकी है, अब एक्स्ट्रा अमाउंट डालना पड़ रहा है आपको, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट डालना पड़ता है। यानी जब कलर चेंज हो रहा है उसे हम बोलेंगे एंड पॉइंट, और जब ये N1 V1 इक्वल टू N2 V2 आ रहा है उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक है, तो दो पॉइंट भी हमारे पास आ गए, एक आ रहा है आपके पास इक्विवेलेंट पॉइंट, और ये इक्विवेलेंट पॉइंट पता है क्या है, इक्विवेलेंट पॉइंट पॉइंट वेयर N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, ये इक्वल है। जबकि एंड पॉइंट अगर हम बात करें एंड पॉइंट की डेफिनेशंस, तो पॉइंट वेयर इंडिकेटर शो द कलर, जब एंड पॉइंट है तो कलर शो हो रहा है। ठीक है, हमारा ये काम हो रहा है, ये हो गया हमारे पास एंड पॉइंट, और एक हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट पॉइंट, दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि एंड पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट के एक या दो ड्रॉप बाद आता है, तो सपोज ये पॉइंट का ध्यान रखिए, अगर यहां की पॉइंट की तरफ भी रख लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा इसको की पॉइंट को, मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट रीडिंग आ गई 26 ml, फर्स्ट रीडिंग समझ लीजिएगा, तो बताइए इसका मतलब ये रीडिंग कब आई, जब कलर चेंज हुआ, जब ये 36 रीडिंग आ रही है, 26 रीडिंग आ रही है तो कलर चेंज हुआ है, इसका मतलब इक्विवेलेंट पॉइंट तो एक ड्रॉप पहले ही आ गया होगा, वो कौन से पॉइंट पे आया होगा, 25 ml, बोलो क्लियर है। तो नेक्स्ट रीडिंग आपको जब मालूम है कि 25 पे ही आनी है, तो आप 25 पे अपनी टाइट्रेशन रोक दो करना, और थोड़ी देर इसी फ्लास्क को पकड़ के थोड़ा सा शेक और करो, हो सकता है लाइट कलर आपको यहीं जनरेट होने को मिल जाए। तो अगर फर्स्ट रीडिंग आपकी 26 है तो सेकंड रीडिंग आपकी 25 25, थर्ड भी यही होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी फर्स्ट 26 25 फिर 24 आ रही है, गलत है। क्यों गलत है, इसका मतलब आपने यहां ध्यान नहीं दिया या तो, ठीक है, तो आपकी फर्स्ट रीडिंग बाकी की दो रीडिंग से ज्यादा होनी चाहिए और बाकी की दोनों रीडिंग सेम होनी चाहिए। ये की पॉइंट को आप अपनी लैंग्वेज पे लिखें, फिर आगे डिस्कस करते हैं।